हेलो गाइस, वेलकम टू द गियर्स यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपको बजट है 15,000 का और आपको एक बहुत ही बढ़िया सी एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस करना है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है यार, हर दिन यहाँ पर नया स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जो सबसे फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा तगड़े स्मार्टफोन जो है 15,000 की रेंज में, एक तो आपका रियलमी 5 प्रो जो क्या आता है 14,000 की प्राइस पॉइंट पे, जो दूसरा स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर शाओमी का मी 3 जो कि 13,000 की प्राइस पॉइंट पर आता है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे भाई किसमें परचेस करें, कौन सा, क्या अच्छी चीजें मिल रही है क्या बुरी चीजें मिल रही है भाई बताओ। तो आज की इस वीडियो में करेंगे यहां पर दोनों फोन का कंपैरिजन, डिटेल में बताने वाला एग्जैक्टली मैं आपके लिए दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर रहने वाला है। तो सी बात पे कर देना इस वीडियो को लाइक, ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 1000 लाइक्स का, आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो शाओमी मी A3 का जो 464 वाला वेरिएंट है इंडिया में आपको 13,000 की प्राइस पॉइंट पर मिलता है, जबकि रियलमी 5 प्रो का जो 464 वाला वेरिएंट है वो आपको इंडिया में मिल जाता है 14,000 की प्राइस पॉइंट पे। तो 1,000 आपका मी A3 चीपर है एज कम्पेयर टू रियलमी 5 प्रो से। अब कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल्ड और डिजाइन से। तो शाओमी मी A3 में यहाँ पर आपको अगेन फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और दिखने में काफी बढ़िया ग्रेडेंट फिनिश देखने को मिल जाती है, जबकि Realme 5 Pro में अगेन आपको पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन डिजाइन काफी जबरदस्त आपको डायमंड कट जैसा फिनिश देखने को मिलता है। सो ओवरऑल अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों चीज को देखते हुए अगर आप पूछोगे भाई कौन सा डिवाइस बेटर है, डेफिनेटली यहां पर एज दूंगा मैं Mi A3 को एज कंपेयर टू Realme 5 Pro से। अब बात कर लेते हैं यहां पर दोनों फोन डिस्प्ले के बारे में। दोनों फोन में आपको 4 ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। मी A3 में यहाँ पर आपको 6 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है 720p का, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल करा गया है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है। जबकि अगर रियलमी 5 प्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.3 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन है वो आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है कि भाई AMOLED 720p अच्छा है या फुल HD वाला IPS डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा है, तो ये आप पे डिपेंड करता है भाई। अगर आपको जो पिक्सलेशन है आपको मतलब 720p का चल जाता है, लेकिन आपको डीप ब्लैक पंची कलर और AMOLED डिस्प्ले और अच्छी ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में चाहिए तो आप जा सकते हो Mi A3 के साथ में। लेकिन भाई आपको डिस्प्ले बहुत ही कमाल का शार्प चाहिए, आपको कलर वगैरह ज्यादा पंची नहीं चाहिए, नॉर्मल जो रियलिटी में दिखता है वैसा चाहिए और थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन से आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो विथ Realme 5 Pro। दोनों ही यहाँ पर डिस्प्ले आप बोल सकते हो बहुत ही अलग है, लेकिन कस्टमर के ऊपर है कि कौन सा डिस्प्ले को यहाँ पर चूज करें। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई आप यहां पर फुल HD IPS डिस्प्ले लेने जाओगे या आप 720p AMOLED के साथ में खुश हो, बताना नीचे कमेंट्स में। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो दोनों की जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 4GB की रैम मिलती है, 64GB की स्टोरेज मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर एडवांटेज लेके जाता है Realme 5 Pro, बिकॉज Realme 5 Pro में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि Mi A3 में आपको हाइब्रिड स्लॉट ही देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है दोनों में आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है, जो रीड राइट स्पीड आपके डिवाइस की वो काफ़ी कमाल की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो Xiaomi Mi A3 में आपको Snapdragon का 665 मिलता है जो कि 11nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जबकि अगर हम बात करते हैं Realme 5 Pro की तो यहाँ पर आपको Snapdragon का 712 मिलता है जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है। परफॉर्मेंस वैसे अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में आपको ज़्यादा इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो और HD वगैरह में खेलते हो तो डेफिनेटली 712 अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा और रियल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं जो है 712 आपका स्लाइटली फास्टर लगेगा एज कम्पेयर टू 665 से। तो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ये प्राइस पॉइंट पे, डेफिनेटली आप आंख बंद करके Realme 5 Pro ले सकते हो एज कंपेयर टू Mi A3 से। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में, जो क्या है दोनों फोन का हाइलाइटिंग फीचर। Mi A3 में बैक में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर है आपको 48MP का सोनी का MX586 देखने को मिलता है, जो दूसरा कैमरा आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जो तीसरा कैमरा आपको 2MP का डेप्थ सेंसिंग वाला देखने को मिल जाता है। 4K 30fps तक के यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्स कर सकते हो। जबकि Realme 5 Pro के कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, अगेन यहाँ पर भी आपको 48MP का सोनी का MX586 का सेंसर मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2MP का मैक्रो लेंस है, देन अगेन 2MP का आपको डेप्थ सेंसिंग वाला देखने को मिल जाता है। ये भी आपका 4K 30fps तक के मैक्स रिकॉर्डिंग कर सकता है।
सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो यहां पर जो Xiaomi का फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है स्क्रीन फ्लैश के साथ में, जबकि Realme 5 Pro में यहां पर आपको अगेन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, अगेन यहां पर भी आपको स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आप पूछेंगे भाई कैमरा किसका बेटर रहने वाला है, तो देखो कैमरे का सेंसर अच्छा है और ऑप्टिमाइजेशन भी दोनों कंपनीज की अच्छी रहती है, तो कैमरा का आप बोल सकते हो सेम टू सेम देखने को मिलेगा, और अगर आप यहां पर गूगल का कैमरा एप्लीकेशन यहां पर इस्तेमाल करते हो तो सेम ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी सेंसर सेम है, वाइड एंगल भी दोनों का अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहां पर एडवांटेज रियलमी के फोन में ये है कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, वैसे यूज तो इतना लोग ज्यादा करेंगे नहीं, बट स्टिल मिल रहा है, नहीं मिलने से अच्छा कुछ मिलना अच्छा है, तो वो चीज एडवांटेज है। बट अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरे की तो डेफिनेटली Mi A3 विनर रहेगा एज कंपेयर टू रियलमी 5 प्रो से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन और यूआई के बारे में, तो दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स आपको पाई मिलता है। Mi A3 आपका स्टॉक एंड्रॉइड पर रन करता है क्योंकि एंड्रॉइड 1 के साथ में आता है, तो 2 साल के अपडेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियलमी 5 प्रो के अपडेट मतलब सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर आपको कलर वाइज 6 देखने को मिल जाता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप यहाँ पर दोनों में से यूआई में से किसको पसंद करते हो, स्टॉक एंड्रॉइड एंड्रॉइड 1 के साथ में या फिर आप कलर वाइज 6 के साथ में जाना चाहोगे, बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स के बारे में बात करें तो दोनों फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। Mi A3 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, जबकि अगर रियलमी 5 प्रो में देखा जाए तो बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो यहां पर भी एक एडवांटेज लेके आता है हमारा Mi A3 बिकॉज नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है स्क्रीन पे उंगली लगाना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही कंपनी ने यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। Mi A3 में आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10 वॉट का चार्जर मिलता है, जबकि Realme 5 Pro में यहाँ पर आपको 4035 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, बुक चार्जिंग 3.0 मतलब 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बॉक्स में ही फास्ट चार्जर मिलता है। यहाँ पर मैं एडवांटेज देना चाहूंगा हमारे Realme 5 Pro को, बिकॉज बॉक्स में यार चार्जर मिल जाता है ना, दिल को एक अलग सी खुशी होती है, अलग से परचेस करने जो दिल नहीं मानता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर स्लाइटली एडवांटेज देना चाहूंगा यहाँ पर Realme 5 Pro को जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जर। बाकी जो स्पीड अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो दोनों के यहाँ पर आपको आराम से 1.5 दिन की बैटरी नॉर्मल टू मॉडल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो बस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछेंगे भाई दोनों में से एग्जैक्टली मैं कौन सा डिवाइस परचेस करें, Mi A3 या Realme 5 Pro, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा दोनों ही डिवाइस काफी अच्छे हैं, लेकिन अलग अलग यूजर लोग के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ Realme 5 Pro किस किस को लेना चाहिए। सबसे पहले तो मतलब आपको शार्प डिस्प्ले चाहिए, मतलब आपको एमोलेड से मतलब नहीं है, लेकिन एकदम शार्प डिस्प्ले चाहिए, फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला। यहाँ पर आपको यूट्यूब वगैरह पे आप 1080p पे यहाँ पर देखते हो वीडियो, तब आप यहाँ पर Realme का फोन ले सकते हो। एज वेल एज आपको ट्रिपल कार्ड की रिक्वायरमेंट है, 64GB लोगे, 2 SIM के साथ SD कार्ड लगाना पसंद करते हो तब आप देख सकते हो। आपको मैक्रो लेंस का एडिशनल फीचर देखने को मिलता है अगर आपको इंटरेस्टेड हो, तो वो चीज मिल जाती है। एज वेल एज बुक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो कि काफी फास्ट है, 1 घंटे में ऑलमोस्ट 90% के आसपास आपका फोन चार्ज करके दे देगा, वो भी बॉक्स में मिलता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर Realme की काफी जबरदस्त लगती है, और Realme में यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन का 712 अनबीटेबल, ये प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे देगा। तो ये चीज अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली आप Realme 5 Pro परचेस कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग डील रहेगी आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं Mi A3 भाई किस किस को लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो भाई आपको बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, आपको एकदम प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील ग्लास का चाहिए, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में बैक में और फ्रंट में, डेफिनेटली आप देख सकते हो। आपको एक एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, फुल HD रेजोल्यूशन भले ही नहीं है लेकिन आपका एमोलेड डिस्प्ले मजा आती है यूज करने में, सैमसंग के फोन आपने करे होंगे 720p के साथ में वैसा एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप Mi A3 को देख सकते हो। साथ में आपको बेटर सेल्फी कैमरा चाहिए, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी लेने के शौकीन हो, टिकटॉक वगैरह बनाते हो, तब आप यहाँ पर Mi A3 को देख सकते हो। और Mi A3 में यहाँ पर जो आपका एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट मिलता है, अगर आपको वो सारी चीजें अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो Mi A3 के साथ में। अब आप पूछोगे भाई आप दोनों में से कौन सा फोन को यहाँ पर परचेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं भाई आप बता रहे हो लेकिन आप कौन सा फोन यहाँ पर परचेस करते हैं, तो मैं यहाँ पर 13,000 में 1,000 ऐड करके मैं जाता Realme 5 Pro के साथ में, बिकॉज Realme 5 Pro की जो सारी चीज़ें वो मेरी यहाँ पर जो प्रायोरिटीज उसको सूट करती है, जिसके में जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चाहिए रहता है, साथ में यहाँ पर ओवरऑल जो बुक चार्जिंग है मुझे पर्सनली मैं फेवरेट मेरा चार्जिंग टेक्नोलॉजी ये प्राइस पॉइंट पे, तो मैं जाता Realme 5 Pro के साथ में। और Realme 5 Pro मुझे स्लाइटली बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लगता है एज कम्पेयर टू Xiaomi Mi A3 से। बाकी आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताना आप 13,000-14,000 का अगर आपका बजट है तो आप दोनों में से कौन सा फोन यहाँ पर परचेस करोगे, क्या आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ ये मेरी ये वीडियो देखने के बाद, बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मतलब सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।